एवरीवन, कल जो चेक मैंने बताया था वो आपने डाउनलोड किया या नहीं? मैंने तो कर लिया, उसे एडिट भी किया है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि कैसे करना है, कहाँ क्या लिखना है, तो मैं उसका फोटो अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ। ये तो ऐसे आपको चेक को एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए मैंने क्या किया कि जो वेबसाइट है द सीक्रेट मैजिक चेक, अगर आप डालोगे एक चेक सामने आ जाएगा, उस चेक की फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसको एडिट करना है। यानी जितना चेक का साइज है उतना ही करो, बाकी सब हटा दो क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अब ना फोटो के ऊपर टेक्स्ट डालने की या मैसेज लिखने की बहुत सारी एप्स होती हैं। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे टेक्स्ट ऑन इमेज, तो अपने आप आपको बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे, उसमें जाके आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि अभी बाहर जाना थोड़ा रिस्की है, साइबर कैफेज ओपन है या नहीं पता नहीं है, घर पे प्रिंटर नहीं है, तो लिखकर हम इमेजिन कर सकते हैं ना, बार बार उस चेक को इमेज ओपन करके देख सकते हैं, वही फीलिंग आएगी। ये तरीका बहुत ही सुंदर लगा मुझे, क्योंकि जाते हैं किसी ने अगर आपको चेक दिया है वो आप बैंक में डालोगे तो ऑफकोर्स पैसे आएंगे, राइट? ऐसा बहुत कम बार होता है कि चेक बाउंस हो जाए। बाउंस यानी कि सामने वाले के अकाउंट में जब पैसे नहीं होते तो चेक वापस चला जाता है, वापस आ जाता है, पैसे जमा नहीं होते। तो ऐसा तो यूनिवर्स के साथ हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स है भाई, इतना बड़ा है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो जो आपने अमाउंट लिखी है वो आपका ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट होगा। अब कमेंट्स में लोग इतने स्वीट और इनोसेंट होते हैं ना, तो किसी ने पूछा कि हम इसे अलग अलग विश के लिए यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि चेक तो भाई यूनिवर्स का है ना, चेक पे अपना अमाउंट लिखो या अपनी विश लिखो, वो पूरी हो सकती है क्या? तो मुझे ये आइडिया एक्चुअली अच्छा लगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, अपनी विश लिख देना, पे के जगह पे अपना नाम लिखना और टू ऑर्डर के जगह पे अपनी विश लिख देना कि मुझे कार चाहिए, बाइक चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये पार्टनर चाहिए, ये डैश डैश मुझसे बात कर रहा है, डैश डैश मेरे पास वापस आ गया, मैं डैश डैश एग्जाम में पास हो गई, जो भी आपको लिखना है, मेरी डैश डैश सैलरी है। तो जो भी आपको विश लिखना है वो लिख के ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जाता है ना, तो ऐसे आप ट्राई इसको कर सकते हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जब आपको ऐसे डाउट आए कि ये अमाउंट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको तुरंत रिप्लेस करना है किसी पॉजिटिव चीज से। कैसे रिप्लेस करोगे? सोचो कि आपके हाथों में बहुत सारा नोटों का बंडल है, कितनी भी अमाउंट आपने लिखे है उसके अकॉर्डिंग सोचना। 2000 की नोट होती है क्या? ये 1000 की होती है, 2000 था। तो 2000 के नोटों का बंडल आपके हाथों में है और वो हाथ में फिट ही नहीं हो रहे पैसे, इतने सारे पैसे हैं, ऐसे आप इमेजिन तुरंत कर सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे लोग लेट गो लेट गो लेट गो के बारे में पूछते हैं, तो मैं सच बताऊं तो मैं लेट गो इतना सीरियसली फॉलो नहीं करती हूँ। इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। तो इस चेक वाले सीनारियों में, चेक वाले केस में लेट गो मत करना। क्या करना बोलूं, हर पल अपने हाथ में पैसे फील करना, हर पल उसे देखना, पैसे फील करना। जो भी पैसे आप दिन भर ना 10 की नोट, 500 या जितने भी पैसे आपके कांटेक्ट में आते हैं, सोचना कि उसी चेक से मिले हुए पैसे हैं, वो खुशी को फील करना, ठीक है? तो बस मुझे इतना ही बोलना है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, लिखो, एडिट करो, और सब लोग, हम सारे लोग एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं इसको, बहुत मजा आएगा। बाय।